हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बनाई हम वुलन डोरमेट। वुलन डोरमेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये देखिए चार कलर से तो हमने इसमें फंदे डाल लिए हैं, और भी हमारे पास काफी सारे कलर हैं। जो थोड़ी थोड़ी ऊन बचती है तो उससे हम देखिए चटाई वाला ये डोरमेट आपको बना के बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये डोरमेट हम बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे हमने चार कलर में ये फंदे डाल लिए हैं, व्हाइट कलर से, रेड कलर से और येल्लो कलर से, और यहाँ पे ये हमारा लाइट ग्रीन कलर है। छह छह फंदे हमने यहाँ पे डाले हैं तो 24 फंदे हमारे हो गए हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये डोरमेट बन जाएगा। देखिए दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बनाना है, उल्टे तरफ से भी और सीधे तरफ से भी। यहाँ पे हमने व्हाइट को बना लिया, व्हाइट के 6 फंदे हैं और इसको इस तरीके से क्रॉस में करेंगे। और देखिए यहाँ पे ये रेड को बनाएंगे, क्रॉस में इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए हमारा ये यहाँ से खुला खुला ना आए, बिल्कुल देखिए जुड़ा जुड़ा ऐसे मिलके आए। और ये 6 फंदे रेड के हैं, इन 6 फंदों को भी यहाँ पे रेड से बना लेते हैं। ये बना लिए 6 फंदों को रेड से। अब देखिएगा येलो के हैं तो इस रेड वाले धागे को यहाँ पे क्रॉस में लाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। एक दो बार बनाने में भी दिक्कत होगी क्योंकि तब तक ये हमारे धागे अच्छे से नहीं जुड़ेंगे। तब तक देखिए इस तरीके से क्रॉस में लाए, आगे की साइड दबा लिया है रेड को हमने अंगूठे से, और येलो को बनाया है। यहाँ पे 2-4 सिलाई बनाएंगे तो हमारे फंदे ये अच्छे से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे अब इसको येल्लो को यहाँ पे दबाया क्रॉस में, अंगूठे से दबा लेंगे, और ग्रीन को यहाँ पे ग्रीन से बनाएंगे इस तरीके से, टाइट करके दबाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिएगा बना लिया है उल्टे तरफ से, अब सीधे तरफ आ गए हैं तो सीधे तरफ से भी ये सेम तरीका बनाना है जैसे हमने उल्टे तरफ से बनाया है। पहला फंदा उतार लेंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे ग्रीन को ग्रीन से बनाएंगे और जो बाकी कलर है येलो है रेड है जो जैसा कलर होगा उसको उसी कलर से यहाँ पे बना लेंगे। देखिए यहाँ पे धागा पीछे किया, ग्रीन को बना के और येलो वाले धागे को आगे कर लेंगे, और इसको यहाँ पे येलो को येलो से बनाएंगे। तो ये हम डब्बी डब्बी बनाएंगे इस तरीके। जब भी हमारी ये डब्बी बन जाएंगी तो हम दूसरे कलर लगाएंगे, और भी हमारे पास काफी सारी ऊन है ऐसे ही और कलरों में भी इस तरीके से। ये इलस्ती बहुत है, देखिएगा काफी सारे धागे हो जाते हैं तो एक दूसरे से आपस में लगते हैं इस तरीके से। यहाँ पे बनाया, आप बड़े से बड़ा बनाना चाहें तो बड़े से बड़ा बना लीजिएगा, और छोटे से छोटा बनाना चाहे तो छोटा भी बन जाएगा इस तरीके से। जो कलर बनाएंगे उसको बनाने के बाद में पीछे करेंगे और अगले कलर को आगे करेंगे। सीधे तरफ से इस तरीके से बनाना है, उल्टे तरफ से भी हमने आपको बना के दिखाया है, फिर से बना के दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे कलर जाते हैं एक दूसरे में धागे, क्योंकि बार बार बदलना होता धागे को, इसलिए यहाँ पे व्हाइट है पहला फंदा उतारेंगे जिससे हमारी दोनों साइड चेन बनकर आए, और ये व्हाइट को यहाँ व्हाइट से बनाएंगे। डब्बी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं, छोटी डब्बी बनानी है तो कम सिलाई बनाइए, बड़ी डब्बी बनानी है तो ज्यादा सिलाई बना लीजिएगा। इस तरीके से धागे को क्रॉस में ही रखना है, अगर क्रॉस में नहीं रखेंगे तो डब्बी हमारी अलग अलग फैल जाएंगी। देखिए इस तरीके से, और इस धागे को यहाँ पे क्रॉस में करा और दबा लिया अंगूठे से, और येलो को बनाया,
ये इस तरीके से उल्टे तरफ से हम इस तरीके से इसको बना रहे हैं। तो जो आपके पास छोटी छोटी ऊनें बचती हैं, ये थोड़ी थोड़ी उससे इस तरीके का ये कलरफुल डोरमेट यहाँ पे बन जाएगा। देखिए इस तरीके से जैसे हम ये धागा क्रॉस में लेते हैं, देखिए दबा के इस तरीके से कलर हमारे जुड़ जाएंगे। तो डब्बी की चौड़ाई हम बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा ये हमारी यहाँ पे डब्बी में हमने बनाई है, चार सिलाई बनाई है एक तरफ से और चार एक तरफ से। तो देखिए डब्बी हमारी यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने चार कलर और ले लिए हैं। देखिए रोजी कलर है, ब्लैक कलर है, पिंक कलर है और ये हमारा जामनी कलर है। तो चार कलर हम यहाँ पे ले लिए हैं, पर्पल कलर। अगर आप इन्हीं कलरों को ऊपर की साइड बनाते हुए जाना चाहते हैं तो ये कलर भी आप ऊपर की साइड बनाते जा सकते हैं। अगर दूसरी और डब्बी बनाना चाहते हैं दूसरे कलर की, तो आप दूसरे कलर की भी डब्बी बना सकते हैं। तो देखिएगा हम ये दूसरे कलर की डब्बी, अब चार डब्बी और दूसरे कलर की बनाएंगे। ये वाले कलर भी हम रहने देंगे क्योंकि ये डब्बी के बाद हम ये वाले कलर ऊपर लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और कम समय में भी बनके तैयार हो जाता है। और जो बिगनर्स होते हैं वो भी इसको आसानी से बना पाएंगे कि यहाँ पे हमने जो ब्लैक कलर था, तो ये व्हाइट था सॉरी, उसकी जगह पे हमने ब्लैक को यहाँ बना दिया है। इस तरीके से उल्टे तरफ से कलर को चेंज करना है, ब्लैक को बना लिया इस तरीके से। देखिए क्रॉस में धागे को पकड़ेंगे कि हमने क्रॉस में धागे को पकड़ा, तो इस तरीके से हमारा जैसे हमने देखिए बनाया हुआ इस तरीके से फंदा यहाँ पे बन रहा है। अगर आप ऐसे क्रॉस में नहीं बनाएंगे तो अलग अलग रहेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। अब ये रेड कलर की जगह पे हम दूसरा कलर लगाएंगे, जो हमारा ये फिरोजी कलर है, इसको हम इधर यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से। देखिए और इस वाले धागे को हम एक बार इस तरीके से पीछे की साइड दबा देते हैं जिससे यहाँ से खुले ना। देखिए इस तरीके से ये दबा दिया और एक बार और दबा लेते हैं इस तरीके से। रेड कलर की जगह फिरोजी कलर हमने यहाँ पे बना दिए छह फंदे। अब जो हमारा पिंक कलर है, ये सॉरी यहाँ पे येलो कलर है, येलो कलर की जगह हम ये पर्पल वाला कलर यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। इसको भी हम ये इधर हमारा ये फिरोजी है और इसको दोनों को इस तरीके से दबाएंगे। यहाँ पे दबाया और एक बार और ऊपर की साइड इस तरीके से दबाएंगे, दबा दिया, अच्छे से ये जॉइंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये येलो की जगह हमने इसको बनाया। अब हमारा आ चुका है ग्रीन, तो ग्रीन की जगह पे हम ये पिंक है हमारे पास, ये पिंक से एक ग्रीन की जगह लगाएंगे इसको। यहाँ पे हमने इसको ग्रीन की जगह बना दिया, उल्टे तरफ से हमने देखिए चारों कलरों को यहाँ पे बदल दिया है इस तरीके से। अब सीधे तरफ आगे हैं, सीधे तरफ से तो जो जैसा कलर होगा उसको उसी कलर से बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा उल्टा बनाएंगे, बनाना तो दोनों साइड से उल्टा ही है मगर देखिए इस तरीके से काफी सारे हमारे धागे हो गए हैं। ले जाएंगे आपस में इस तरीके से क्रॉस में करेंगे। क्रॉस में करने के बाद में आगे लाएंगे और पिंक वाले कलर को हम पीछे ले गए हैं और इसको खींच देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ये सभी कलरों को इसी तरीके से बनाना है और इसी तरीके से बनाते हुए हम ये पूरा डोरमेट बनाएंगे। अगर आपको इन्हीं कलरों से आगे बढ़ाना है, जो आठ कलर लगा चुके हैं, अगर इन्हीं से बनाना चाहें तो इन्हीं से आगे की साइड बढ़ाते हुए चले जाइए, ऐसे ही बदल बदल के डब्बियों को। और अलग से और कलर लगाना है तो आप और कलर से भी बना सकते हैं, वो आपकी पसंद है, आपको किस तरीके से कितने कलर लगाने हैं डोरमेट के अंदर। हमने देखिए इसमें आठ कलर ये यहाँ पे
लगाए हैं, दो चार छः आठ, आठ कलर हैं। तो इसी तरीके से चार चार सिलाई बनाते हुए हम ये डब्बी बनाएंगे। तो बना लेते हैं इस डोरमेट को, आगे इसी तरीके से आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पे चार डब्बी बनाई है, एक दो तीन चार पाँच, पांचवी डब्बी पे हम ये बंद करेंगे। तो हमारी पांच यहाँ पर डब्बी बन गई हैं। और देखिएगा हमने पांच डब्बी ये बनाई है, चार चार डब्बी के हिसाब से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, लंबाई में पांच हैं और चौड़ाई में हमारी चार हैं। तो इस तरीके से हमारे डोरमेट यहाँ पर बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो जैसे जैसे हमने फंदे डाले थे अलग 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 ही, इनको अब हम बंद करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, दो का एक करते हुए, ये बंद कर ले देखिए यहाँ पे इस तरीके से। जो जैसा कलर होगा उसको उसी कलर से बंद करेंगे, ये येलो को येलो से बंद किया और यहाँ पे ग्रीन है तो इसको ग्रीन से बंद कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए अब रेड का आ चुका है तो ग्रीन वाले धागे को इस तरीके से क्रॉस में लाते हुए दबा देंगे और ये हम अब रेड से इसको बंद करेंगे। देखिए कितने कम समय में हमारा डोरमेट बनके तैयार हो जाता है। तो आप इसे थोड़ी थोड़ी बची हुई ऊनें होती हैं तो उससे देखिए जो वेस्ट ऊन ना जाए, तो इसी तरीके का डोरमेट बना सकते हैं, कलरफुल डोरमेट चटाई वाला, बनने में भी आसान है। इस तरीके सभी फंदे बंद हो चुके हैं, लास्ट का फंदा बचा है, ये इसको सभी धागों को कट कर देंगे। देखिए और इस धागों सभी धागों को अंदर से निकाल के यहाँ पे नोट लगा देंगे जिससे ये खुले ना। देखिए यहाँ पे इस तरीके से नोट लगाई और इसको अंदर की साइड करेंगे। आप क्रोशिया से करना चाहें तो क्रोशिया से कर लीजिएगा, अगर सिलाई से ही इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये फंदा होता है, इसके अंदर से फिर से निकालेंगे यहाँ पे इस तरीके से लगी नोट। अब इन दोनों को यहाँ पे देखिए बांध देंगे, अभी हमारा खुलेगा नहीं इस तरीके से कट कर देते हैं बचे हुए धागों को और इन सभी में नोट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए तो इसको बनाना बहुत ही और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा देखिए चटाई वाला डोरमेट बनके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर नई नई वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।